आ रहा है दाऊद, भारत में फिर से करेगा एंट्री, भांजे की शादी में करेगा शिरकत, स्काइप से जुड़ेगा दाऊद। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भांजे की आज मुंबई में शादी है। सूत्रों के मुताबिक अपनी बहन के घर में होने वाली इस आखिरी शादी को धूमधाम से मनाने के लिए दाऊद ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसने मुंबई में अपने गुर्गों को खास निर्देश दिए हैं कि शादी में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान में छिपा बैठा दाऊद मामा अपने भांजे के निकाह में कैसे शरीक होगा। अलीशाह पारकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का बेटा है। अलीशाह के साथ आयशा का निकाह होना है। आयशा मुंबई के बड़े कारोबारी शिराज नागानी की बेटी हैं। सूत्रों के मुताबिक दाऊद के भांजे की शादी पारकर परिवार में आखिरी शादी होगी, इसलिए दाऊद इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। मई 2015 में हसीना की बेटी उमैरा की शादी सादगी भरे माहौल में हुई थी। कार्ड में दी गई जानकारी के मुताबिक मुंबई के नागपाड़ा में रहने वाले दाऊद के भांजे का निकाह सुबह 11 बजे रसूल मस्जिद में होगा। शाम को जुहू के ट्यूलिप स्टार होटल में दावत वलीमा रखा गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच और खुफिया एजेंसियां भी इस शादी पर पैनी नजर रख रही हैं। माना जा रहा है कि इस निकाह में दाऊद का भाई इकबाल कासकर और उनकी बहनें जैतून और फरजाना अपने परिवार के साथ शरीक हो सकती हैं। सवाल ये है कि भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद जब पाकिस्तान में छिपा बैठा है तो वो अपने भांजे की शादी में शरीक कैसे होगा। दाऊद और उसके गुर्गों के लिए परिवार ने खास इंतजाम किए हैं। पाकिस्तान में बैठा दाऊद अपने भांजे की शादी में स्काइप के जरिए शामिल होगा। वो शादी की सभी रस्मों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देख सकेगा। सिक्योरिटी एजेंसीज इसको मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे शायद उनको पता चलेगा कि दाऊद की लोकेशन क्या है। लेकिन जैसे खुलेआम ये सब चल रहा है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी का सोशल प्रोग्राम भी इतना चर्चा में है, माना जा रहा है कि शादी में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार है, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद से वो पाकिस्तान के कराची में पनाह लिए हुए हैं। भारत की तरफ से तमाम सबूत दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान इसे साफ तौर पर नकारता आया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।